हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश बागड़ी है और मेरा जो कैरेक्टर है इस फिल्म में तफरी में उसका नाम है विकी। और हाय, आई एम निवीशा मेहता, माय कैरेक्टर्स नेम इज पूजा फ्रॉम डेज ऑफ तफरी। हाय, माय नेम इज सरबजीत, माय कैरेक्टर नेम इज दूला, आई एम द एंग्री हल्क इन दिस मूवी। हाय, माय नेम इज किंजल राजपुरिया एंड माय कैरेक्टर नेम इज My name is Yash Soni and I'm Nikhil from Days of Tuffing. That is simple guy. Hi, I'm Sanjay Goswami. My character name is Suresh in the movie and he is very decent guy. Decent guy? Hi, my name is Anuradha Mukherjee and the character name is Isha. It's a cute little bubbly girl in this college. सबसे पहले मिले थे हम वर्कशॉप में मिले थे, तब भी हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। उसके बाद से हम एक दूसरे के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया था, घूमना फिरना, तो रिहर्सल्स भी होती रहती थी और एक्चुअल में जो रियल केमिस्ट्री हमारी बन गई थी तो वो फिल्म में भी देखने को आपको मिलेगी। एक महीना तक वर्कशॉप चला था तो ऑटोमेटिकली हम लोगों की वो बॉन्डिंग बन चुकी थी जब तक वो शूट स्टार्ट हुआ था। सो हाँ, हम लोग अभी रियल फ्रेंड्स ही है, ऐसा कोई फॉर स्क्रीन के लिए नहीं, ऑन स्क्रीन के लिए नहीं, ऑफ स्क्रीन भी हम लोग फ्रेंड्स ही है। कोई सीक्रेट जो हम लोग नहीं जानते हैं? Months with seven people, you get to know everything, good and bad. So and you see seven tafri baazis over here. So we are like, you know, full of pranks. Secrets and pranks, yeah. जो normal क्या होता है कि जो normal group होता है ना हर college में, हर school में, और स्कूल कॉलेज छोड़ो यार, हर एक कॉर्पोरेट में, तो वो सेम ग्रुप है, कोई सीक्रेट नहीं है, हम लोग सिर्फ मस्ती खो रहे हैं। सच्चे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत दिल से काम किया है हम लोगों ने इस मूवी में, और आप लोगों में आप बहुत कनेक्ट कर पाएंगे इस फिल्म से। जो फील है इस फिल्म का, जो कॉलेज की फील है, आपको नॉस्टैल्जिक फील करवाएगी। फिर जो कॉलेज गए हैं, जो कॉलेज छोड़ चुके हैं, या जो कॉलेज जाना चाहते थे या जाना चाहते हैं, सबके लिए है। शुरू होती है कॉलेज में, खत्म होती है कॉलेज में। काफी राउंड क्लियर करे फिल्म के लिए। 700 लोगों का ऑडिशन हुआ था, उसमें से उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट, कोई भी सिफारिश नहीं है, 7 लाख लोगों का ऑडिशन हुआ था, उसमें से हम 7 चूज हुए, 700 नहीं थे। काफी लोग मतलब जो परफॉर्म नहीं कर पाए तो रिप्लेस होते गए, तो फिर एंड में आपको एक मूवी में अच्छा लगा कि ये साधु के साथ अलग अलग कैरेक्टर्स है, कोई भी सिमिलर नहीं है। निखिल इज डिफरेंट, निशा इज डिफरेंट, दूल्हा इज डिफरेंट, पूजा इज डिफरेंट, जो कैरेक्टर्स हैं हम डिफरेंट हैं सब, पर एक साथ हैं। एंड मेरे को फिनिश करो, डिफरेंट हम लोग हैं एक दूसरे से, लेकिन ट्रस्ट में हम लोग आप में से डिफरेंट नहीं है। आप में से एक विक्की है, एक निखिल है, एक पूजा है, एक निशा है, एक ईशा है, और एक दलजीत भी है जो गुस्से वाला रहता है। We're not different from you guys. हर कॉलेज, हर क्लास, हर बंदे के अंदर हमारे कैरेक्टर्स पाएंगे आपको। हम में से कोई भी आपको न्यू कमर्स या स्टार नहीं लगेगा, आपको लगेंगे कि हम भी स्टूडेंट ही हैं, जो हम लोग मिलके हमने ऐसी फिल्म बनाई है। और ये फिल्म में फीलिंग है काफ़ी, कि जब आपको कॉलेज जाते हैं तो वो जो फील होता है, जो मिस करते हैं। अच्छा, हम जनरली हमें से एक ये डिफरेंट, ये बहुत डिफरेंट है। मैं झूठ बोल रहा था कि मैं डिसेंट कैरेक्टर हूँ, बहुत ही बदमाशियाँ की है मैंने, काफी शरारत दी है बहुत। हाँ, ये अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग बहुत शांत खड़े हैं, ये नहीं आप उधर क्यों लेके नहीं जा रहे? लेके नहीं जा रहे आप यार, वहाँ पे यहीं पे हो, वो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, आप देंगे मौका। डेज ऑफ तफरी जो जिस तरह की स्क्रिप्ट है, स्कॉर्पियो फिल्म बन चुकी है, कॉलेज इश्क इश्क हो गई, दिल हो गई, तो ये कितनी अलग रहेगी, कितनी अलग कहानी है? कॉलेज लाइफ पे बहुत सारी फिल्म बन चुकी है, लेकिन अभी हमारी मतलब स्क्रिप्ट और जिस तरह से शूट की गई है, लेकिन अभी फिल्म मतलब कॉलेज की जैसे कि अलग ट्रैक पे नहीं जा रही है, पूरी फ्रेंडशिप पे फिल्म है, अलग ट्रैक पे कहीं पे भी नहीं चल रही है। कॉलेज में और खत्म होती है कॉलेज में, बेसिकली दिस इज जस्ट लाइक यू नो चेरिशमेंट ऑफ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दैट्स इट। और हाँ, इसमें अलग अलग एंगल्स हैं, बट द स्टोरी डज नॉट गो टुवर्ड्स द लव एंगल और हेट्रेड एंगल, बट थ्रू आउट वी आर जस्ट लाइक यू नो डूइंग तफरी पट्टी ऑन द स्क्रीन, दैट्स इट। वन थिंग आई टेल यू, ये मूवी देखने के बाद डेफिनेटली हर एक बंदे को अपना कॉलेज लाइफ याद आने ही वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं।
बहुत इम्प्रोवाइजेशन ऐसी हैं जो वर्कशॉप में हमने बनाई और सेट पे भी बहुत ऐसी हुई जो हम रियल लाइफ में ऐसी तफरियाँ जो करते थे जैसे ये फिल्म की स्टोरी रिवील हो जाएगी इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। जनरली जैसे हम बहुत शैतानियाँ करते थे, जैसे प्रैंक्स खेलते थे एक दूसरे के साथ। मैं बताता हूँ जैसे कि क्या होता है कि स्कूल में कॉलेज में क्या करते हैं, दोस्तों की खिंचाई करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उसकी बंदी को बटा लिया, उसकी बंदी को छेड़ दिया, उसके अलावा ऐसा भी हुआ आपने किसी की और की बंदी बटाई हो, आपकी बंदी कोई ना बटाए? रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, रियल लाइफ में अपनी बंदी अभी तक मिली नहीं है, लेकिन हाँ दूसरों की बंदियों को पटाया नहीं, पटाया नहीं है, थोड़ा बहुत हेल्दी फ्लड तो चलता है। तारीफ फ्लड 23rd of September बिल्कुल जाना, आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हो अपने आप से और फिर से आप रिलीव करने वाले हो अपने कॉलेज को। तुम्हारी जो भी कॉलेज की गैंग थी या है उनके साथ ही जाना, डेफिनेटली श्योर दैट यू कनेक्ट टू वन और द अदर कैरेक्टर। एज़ दे से नाउ #BFF सिर्फ कॉलेज की ऑडियंस नहीं, हर एक ऑडियंस, हर एक जो भी नाना नानी दादा दादी सबको ले जाना, कभी ना कभी वो नाना उनको याद आ रहा है क्योंकि सबने सबने तफरियां करी हैं। आपने भी बड़ी तफरियां की होगी, मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चन देख कर समझ गया आपने बहुत तफरी। यार एक 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 चीज हाँ जो कि हर एक जन के लिए हो, जब मुसाफिर हैं हम और कितने वक्त बीते हैं भारत में जाए दुनिया क्योंकि हम तफरियों में जिए हैं।